हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो कि टैली प्राइम की है, हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्चुअल और सेपरेट बिल का कॉलम दे सकते हैं जबकि हम टैली प्राइम को यूज कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। आप जानते हैं कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए हमें जाना होगा, F3 फंक्शन बटन प्रेस करना होगा या यहाँ पर आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। तो मैं F3 फंक्शन बटन प्रेस कर लेता हूं और यहां से जो पुरानी कंपनी है shop.com, इसमें हमें काम नहीं करना है तो क्रिएट कंपनी पर चलते हैं। एंटर प्रेस कर देते हैं। क्रिएट कंपनी पर जाने के बाद और यहां पर XYZ इस नाम से एक कंपनी बना रहा हूं, XYZ.com, ये कंपनी है हमारी। एंटर प्रेस करता हूं। यहां पे कर देते हैं एड्रेस और एंटर प्रेस कर दिया और यहां पे यू प्रेस कर देता हूं, उत्तर प्रदेश कर दूंगा। एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर जो है पिन कोड डाल देंगे लोकल एरिया का। एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बुक्स बिगिन फ्रॉम, इसका मतलब है कि आपका काम कब से शुरू हो रहा है वो चीज आप यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूं और एक्सेप्ट करा लेता हूं इसको। जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे एक नई विंडो खोल करके आपके सामने आएगी और इस विंडो में हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है प्रेस करते हुए आ जाना है एकदम नीचे। यहां पे देख सकते हैं यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। यहां पर आपको वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है, आपका कर्सर आ जाएगा टैक्सेशन वाले कॉलम में, करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब पुरानी कंपनी को करना है बंद तो F3 प्रेस कीजिए और शट कंपनी पर चले जाइए आप। एंटर प्रेस कीजिए और myshop.com को एंटर प्रेस करके बंद कर दीजिए। तो ये कंपनी हो गई बंद और यहां से वी प्रेस कीजिए तो यहां पे देख सकते हैं जैसे ही परचेज वाउचर में आएंगे तो दो कॉलम्स एक्चुअल और बिल्ड ये दोनों आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहां पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर हम कैश में परचेजिंग कर रहे हैं तो यहां कैश रख लेता हूं। ये रिसिप्ट डिटेल यानी कि किस चीज के थ्रू माल डिलीवर होगा, ठीक है, एजेंट का नाम क्या है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूं ऐसे ही और यहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये टैली प्राइम में एक नई चीज इंक्लूड करी गई है। जैसे ही आप यहां आएंगे तो यहां पर क्रिएट पर आपका कर्सर आ जाएगा, ये क्रिएट दिख रहा होगा आपको। यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए, यहां पर बना लीजिए परचेज अकाउंट का लेजर। तो ये परचेज अकाउंट का लेजर हमने बना लिया और एंटर प्रेस कर दिया। यहां रखेंगे परचेज अकाउंट और यहां एंटर प्रेस करके और इसे करा लेंगे एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब हम स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं। स्टॉक आइटम कभी भी परचेस वाउचर में ही बनता है, सेल्स वाउचर में हम स्टॉक आइटम नहीं बनाते हैं। यहां पर आ गए, यहां पे कर देता हूं कीबोर्ड, एंटर प्रेस कर दिया और यहां पर आएंगे तो यहां पे यूनिट बनाएंगे हम। तो यूनिट बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए तो यहां पे सिंपल आ रहा है। यहां पर सिंबल जो है ITM आइटम दे देता हूं और यहां लिख देता हूं आइटम, ओके। एंटर प्रेस किया, यहां पर पीस पैकेट जो भी आपको ठीक लगता हो वो देख लीजिए। तो यहाँ पीसेस कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर हमने लगा लिया, ठीक है। और अब एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल में जो क्वांटिटी है वो कितनी है, अगर मान लीजिए एक्चुअल में 120 क्वांटिटी हमें मिल रही है, प्राप्त हो रही है, लेकिन हम खरीद रहे हैं 100 ही आइटम, 20 आइटम हमें गिफ्ट में मिल जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में रेट क्या है उसका वो डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए रेट है, मान लीजिए हमको पड़ रहा है 90 रुपए का एक, तो उसके हिसाब से ये टोटल आ गया। तो ये देख रहे हैं ये 100 ही आइटम का प्राइस यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। अब मान लीजिए माउस की बात कर लें तो माउस MOUSE माउस लिखा हमने, एंटर प्रेस किया और यहां पर यूनिट में आइटम कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो यहां पे मान लीजिए कि 110 आइटम आपको मिल रहे हैं और बिल बनेगा केवल 100 ही आइटम का, ठीक है। तो ये हो गया और 70 रुपए का एक माउस पड़ रहा है तो इसके हिसाब से यहाँ टोटल आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेपरेट और एक्चुअल बिल का कॉलम आप लेके आ सकते हैं